पर 40-50 जनों ने आकर के अटैक कर दिया, सब पे सरिये बरसाए और ये पत्थर वत्थर सारा तोड़ा ताड़ी कर दी इन्होंने यहाँ की पूरी जगह की, और सबको मतलब ऑलमोस्ट कोई भी मर सकता था उसके अंदर। आने के बाद में भी वो लोग अटैक कर रहे हैं इसमें, या तो ये आईओ बताएंगे मुकेश जी या बताएंगे एसएचओ साहब। मेरे भी कैसे एक गए थे कि हम गुंडे लेके आएंगे तब तुम क्या कर सकते हो, तब देखते हैं, आज तो बहुत होशियारी झाड़ ली तुमने, इनको दबोच दबोच के मारो, मैं जो भी होगा मैं देख लूंगा। पिट पे लगी है रॉड से, लोहे की रॉड से। सूचना मिलने पे आई है पुलिस, पहले मौजूद नहीं थी, मौके पर थी, वीडियो देखा मैंने भी। वक्त की सबसे बड़ी खबर जो जयपुर के मालपुरा गेट थाना इलाके से है। बता दें खाली प्लॉट पर कब्जा करने आए बदमाशों ने परिवार पर पथराव कर दिया, इसके साथ ही बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। बदमाशों ने उस दौरान प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया जब घर पर केवल महिलाएं मौजूद थी। घटना की जानकारी मिलने पर मालपुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दो लोगों को डिटेन किया। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें 10 से ज्यादा बदमाश नजर आ रहे हैं। पीड़ित शंकरलाल सुईवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार सुईवाल भवन दादाबाड़ी जैन मंदिर स्टेशन रोड सांगानेर में पीडीओ से रह रहा है। सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे 50-60 लोग ट्रैक्टर में आए, हाथों में डंडा सरिया पत्थर लेकर आए। इन लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया, मकान की दीवार तोड़ने के साथ ही घर में खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान बीच बचाव करने आई विमलेश और नीलम के साथ मारपीट और छेड़छाड़ भी की गई। उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस के पीसीआर करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची, लेकिन जानकारी के अनुसार पुलिस के सामने भी यह पथराव जारी था, मानो हमलावर के सामने पुलिस भी लाचार खड़ी हुई नजर आ रही थी। हमलावर पूरी तरह से घर को नुकसान कर चुके थे। इसके बाद पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्लॉट को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। सोमवार को एक बार फिर कुछ बदमाश हाथों में डंडे लेकर आए और प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पथराव भी कर दिया। पथराव करने वाले बदमाश भरतपुर के बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से इस वीडियो में लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। कैंपस है अपनी फैमिली का पूरा यहाँ पे, तो यहाँ पर 40-50 जनों ने आकर के अटैक कर दिया, और उन्होंने ये भी देखा कि भाई लेडीज है, जेंट्स है, क्या, उन्होंने सब पे सरिये बरसाए और ये पत्थर वत्थर सारा तोड़ा ताड़ी कर दी इन्होंने यहाँ की पूरी जगह की, और सबको मतलब ऑलमोस्ट कोई भी मर सकता था उसके अंदर। क्या रीजन रहा है पत्थरबाजी करने की और कौन लोग थे, आप जानते हैं उनको किसी को? सर वैसे तो चल रहा था, कोई मैटर चल रहा था, केस चल रहा था इनका, तो पहले पुलिस में कंप्लेन कराई थी, तो पुलिस वालों ने बोला था ये कोर्ट में जाएगा मामला, बट वहाँ से फिर उन्होंने पुलिस वालों ने कोई बात नहीं करी आगे। जब आपके साथ ये हुआ तो मौके पर पुलिस आई और कितनी देर में आई? सर पुलिस आई बहुत देर में, कॉल किया 100 नंबर पे, ये सर करा, उसके बाद में पुलिस बहुत देर बाद में आई। पुलिस वाले आने के बाद में भी वो लोग अटैक कर रहे हैं, फिर भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं बस। इसमें या तो ये आईओ बताएंगे मुकेश जी या बताएंगे एसएचओ साहब, उस टाइम में था नहीं, अभी हम एसएचओ आईओ के साथ में नक्शा मौका मनाने आए हैं, इतनी देर वहाँ पा गए हैं। दो जनों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, पर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट इस तरीके से था कि मतलब वो उनका सहयोग कर रहे थे अगलों का, हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी थाने के अंदर। तो यहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई थी लेडीज के साथ, वो कौन है? इनके साथ में इनका सिर वगैरह फोड़ दिया गया। मेरे भी कैसे वो लोग आए, क्या क्या रहा रीजन सब? भैया वो तो मैं तो अचानक घर पे ही थी, अचानक आई तो उधर से 20-25 ये हमारी जमीन का है मामला थोड़ा सा, तो इसमें क्या है कि मेरे हस्बैंड ने कभी ये जमीन किसी से खरीदी थी, एक्चुअल में ये पूरी ली थी, यहाँ तक ये पूरी एक बड़ी जमीन है। अच्छा। तो ये तो क्या है जो शायद काला सेंटर, वो महावीर कैंसर सेंटर के हैं, उनको बेच दी गई थी, फिर उसके बाद ये टुकड़ा अपने पास रखा, तो कुछ आपस में लेन देन हमारे होते हुए भी अब वो उनने नकली कागजात, मतलब पूरा मामला एक जमीन का था। हाँ जी, हाँ। जमीन, ये जो लेफ्ट साइड में जमीन है आप दिखाएं कैमरा में, दिखाने को, ये जो लेफ्ट साइड में जमीन है इसका विवाद है पूरा। गए थे कि हम गुंडे लेके आएंगे तब तुम क्या कर सकते हो, तब देखते हैं, आज तो बहुत होशियारी झाड़ ली तुमने, हाँ पुलिस वालों को पता है, तब भी पुलिस आई थी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था तब भी, और आज भी मैंने सीसीटीवी जब देखा पुलिस खड़ी थी और कोई एक जना तो उनके सामने बोल रहा था कि है ना तुम इनको दबोच दबोच के मारो, मैं जो भी होगा मैं देख लूंगा, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है पुलिस के सामने। काफी देखा गया है कि 12 बजे जब सब अपने कामों पर गए हैं करे हैं, वीडियो के अंदर ये तक आया है कि उन्होंने देखा कि भाई कोई है कि नहीं, फिर एक जने ने बाहर से बुलाया,
कि भाई आ जाओ अंदर कोई नहीं है, और फिर एकदम से सारे 50 लोग रॉड के साथ खड़े होकर, मजदूरों की टीम अलग थी, मजदूरों की उनकी टीम अलग थी कि मजदूरों को बहला के लेकर आए, कि मजदूरों का ट्रैक्टर लगवाया इधर, और ये जो शीट थी उखाड़ के पूरे जोर जबरदस्ती से और अपने ट्रैक्टर में भरवा रहे थे, पत्थर भरवा रहे थे ट्रैक्टर, और खुद पत्थर लाए थे इधर कि भाई हम अपना कब्जा जमा लें इधर लाते। उतने में जो भी उनका था इरादा, पूरा तो नहीं हुआ खैर अभी, पर लगी जितनी है लोगों के वो बिल्कुल नहीं है। भाभी के हमारे पेट में ईंट से लगे पेट में, और ये पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई ये तो बस अपवाद के लिए इनको अंदर करा है। भाई मैं जितना जानता हूँ, थोड़ा बहुत शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, पैरों के ऊपर मारना जानलेवा हमले के अंदर आती है चीज़, है ना, पेट पे लगी है रॉड से, लोहे की रॉड से, डंडी भी नहीं थी लकड़ी की। दोपहर के समय की बात है, कुछ लोग आए थे यहाँ पर और पत्थरबाजी करके इनके साथ मारपीट की। अब कारण क्या है उसकी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली। मौके पे जो आए थे उनके साथ दो लोग मिले थे जिनको पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर रखा है। बाकी इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी आए हुए हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने यहाँ से? दो लोगों को। इतनी भीड़ में जब वहाँ मौके पर पुलिस थी तो उन्होंने थोड़ा सा एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, भीड़ पे सूचना मिलने पे आई है पुलिस, पहले मौजूद नहीं थी। मौके पर थी, वीडियो देखा मैंने अभी, वो आप मौके पे तो आपने वीडियो, पुलिस नहीं थी वो जहाँ तक है पता नहीं, जैसा नहीं सर, जैसा मुझे मैंने देखा इनके मोबाइल में, तो उस जब पत्थरबाजी हो रही थी यहाँ पुलिस वाले खड़े थे और पत्थरबाजी चल रही थी, तो ऐसा क्या कारण रहा कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तुरंत, या वो भागे नहीं, क्या रीज़न रहा? ऐसा पता नहीं, पुलिस थी नहीं शायद मौके पे, जहाँ उस जहाँ तक है घटनास्थल पर मैं आया था सूचना मिलने पर, तब यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, दोनों पक्ष में दूसरे पक्ष के दो आदमी उधर खड़े थे। अभी क्या प्रोसेस आगे का, क्या इन्वेस्टिगेशन जारी है? इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस पर इन्वेस्टिगेशन है, परिवादी को संकला से संपर्क कर रहे हैं, नक्शा मौका की कार्रवाई यहाँ पर करने के लिए बुला रहे हैं, अभी वो आ रहा है, नक्शा मौका बना के कार्रवाई की जाएगी।